भाटिया जी, लेकिन जब से विपक्षी गठबंधन ने अपना नाम इंडिया रख लिया है उसके बाद से हम देख रहे हैं कि जो सबसे सर्वोच्च पद है भारत की सरकार में, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उनके साथ अब भारत लिखा जा रहा है, वरना पहले अंग्रेजी में रोमन में इंडिया लिखा रहता था, लेकिन जब से गठबंधन का नाम इंडिया हुआ है उसको आपने पलट दिया है। वो कह रहे हैं उनके भाई से हुआ है। देखिए अंजना जी, सबसे पहले तो मैं समझता हूं जब पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है तो विपक्ष की लंका जल रही है, और हमने देखा किस तरह से सारे चाटुकार इकट्ठे होके भारत को नीचा दिखाने में लगे हैं। मैं तो सुन रहा था राहुल गांधी जैसे ही विदेशी धरती पर जाते हैं ऐसा लगता है कि उनके सॉफ्टवेयर में वायरस लग जाता है और वो चीन प्रेम में अंधे हो जाते हैं, वो चीन का गुणगान करने लग जाते हैं, क्या चीन करता है, चीन इतना अच्छा देश है। और इससे पहले भी वो गए थे चीन तो कह रहे थे कि लैंड ऑफ हार्मनी है, अभी भी वो बता रहे हैं कि चीन विश्व को दिशा दे रहा है और भारत जो है कोई अल्टरनेट नहीं दे पा रहा। जबकि जो बिडेन साहब, हमने देखा ऋषि सुनाक जी, जितने हेड ऑफ स्टेट्स आए उन्होंने भारत की तारीफ करी, श्री नरेंद्र मोदी जी की तारीफ करी, और जो असंभव माना जा रहा था कि ज्वाइंट डिक्लेरेशन नहीं आएगा वो ज्वाइंट डिक्लेरेशन भी आया, और भारत ने दिखाया किस तरह से विश्व को अगर कोई दिशा दे रहा है, किसी का डंका बज रहा है तो वो भारत है। मैं केवल इतना कहूंगा, ये भारत शब्द से इतनी नफरत क्यों है, क्या ये अंजना जी नहीं पूछा जाना चाहिए? देखिए मैं आपको प्रमाण देता हूं, सबसे पहले भारत का ये जो शब्द है अगर आप हिंदी में जो हमारा संविधान है उसको देखेंगी तो अनुच्छेद एक में क्या लिखा है, लिखा है भारत के लोग, भारत को एक उद्देशिका की बात करी, और अनुच्छेद एक में भारत अर्थात इंडिया। तो अगर राष्ट्रपति जी का न्योता भारत शब्द का इस्तेमाल करता है या प्रधानमंत्री जी के सामने भारत लिखा होता है तो इससे किसी के पेट में दर्द क्यों होता है, ये सवाल पूरी रात मुझे परेशान करता रहा। फिर मैंने याद किया, आप याद करिए चाटुकारिता कांग्रेस की, बरुआ जी याद हैं, उन्होंने डीके बरुआ ने कहा था इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। अब अगर भारत का इस्तेमाल होगा तो जो देश को इंदिरा गांधी के बराबर बता दिया था उसके बारे में क्या होगा? अरे इंदिरा जी के लिए भी दिक्कत है, कांग्रेस पार्टी के लिए भी दिक्कत है। दूसरी बात, भारत शब्द का इस्तेमाल जब होता है ना तो जो घमंडिया बना है उसको दर्द होता है, उसको ये पता है कि जब भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशा अल्लाह के नारे लग रहे थे, तो ये घमंडिया के ही नेता राहुल गांधी वहां पे समर्थन करने के लिए खड़े हुए थे, तो क्या ये पूछा नहीं जाएगा कि भाई भारत अगर इस्तेमाल हो जाता है तो तुम्हें दिक्कत हो जाती है, हिंदू धर्म से तुम्हें दिक्कत हो जाती है, हिंदू आतंकवाद का आविष्कार कांग्रेस हेडक्वार्टर में होता है, हिंदुत्व इज इक्वल टू बोको हराम और आइसिस, सलमान खुर्शीद कहते हैं, राहुल गांधी कहते हैं हिंदुत्व जो है वो सिख और जो हमारे मुसलमान भाई है इनको मारना सिखाता है, और ये भी विदेशी धरती पर ही कहते हैं। तो मैं पूछना चाहूंगा विदेशी धरती पर जाके चीनी प्रेम क्यों आ जाता है? और एक सवाल पूछ के अंत करूंगा जल्दी से, चीन 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 का राग लाप रहे हो, राग अलापो मत चीन का, ये बताओ ये जो समझौता हुआ था 2008 में पार्टी टू पार्टी, कांग्रेस पार्टी का और सीसीपी का, क्या अंजना जी इसमें ये लिखा है कि राहुल गांधी और गांधी परिवार को देश से गद्दारी करनी है और इसी के लिए 1,37,00,000 रुपए बताए जाते हैं रिश्वत दी गई है कांग्रेस पार्टी को, दोनों पूछ रही हूं मैं, दोनों उस करार से पहले सार्वजनिक क्यों नहीं करते? सुप्रिया जी, प्रश्न ये है कि अगर भारत लिखा जाए तो इसको अपने नाम इंडिया से क्यों जोड़ना, मतलब अल्टीमेटली तो इंटरचेंजेबल है ही ना, ये संविधान में यही लिखा है इंडिया दैट इज भारत, अब वो भारत लिखना चाहते हैं तो उसका श्रेय भी आप ही लोग ले लें कि हमारी वजह से लिख रहे हैं, और दूसरा वो कह रहे हैं जब भी विदेशी धरती में जाते हैं राहुल गांधी तो चीन की प्रशंसा क्यों करते हैं? करीब 4.25 मिनट तक मैंने प्रवचन सुना और अनवरत था, तो मैं आशा करती हूं कि मुझे भी वो कर्टसी दी जाएगी। सबसे पहली बात तो अंजना जी मैं आज ये पूछना चाहती हूं, क्या ये बहस का मुद्दा है इंडिया बनाम भारत,
मैं ये जानना चाहती हूँ, आपका चैनल नंबर वन चैनल है इस देश का और आपका कार्यक्रम नंबर वन कार्यक्रम है, बहुत लोग देखते हैं, जो लाखों करोड़ों लोग ये कार्यक्रम देख रहे हैं उनको क्या फर्क पड़ता है? आप अपनी माँ को, हो सकता है अम्मा कहती हो, मैं माँ कहती हूँ, कोई मम्मी कहता हो, कोई कुछ और कहता हो, कोई अम्मी कहता हो, तो उससे क्या माँ के प्रति प्रेम कम हो जाएगा? और वो नाम जो संविधान में निहित है, तो ये अनर्गल मुद्दा है, ये वो हवा का गुब्बारा है, वो ये शुभ, मैंने ये पहले मैं बीच में बोलूं, उसके बाद आप बीच में नहीं बोली थी, उनके मेरे में भी मत बोलिए, मेरी बात, चूंकि मुझसे प्रश्न कर रहे हैं कि इससे मैंने पूछा जाता है, ठीक है बोलिए, जब भी सरकार, नहीं अभी अभी जवाब मत दीजिए, मेरे जवाब के बाद दीजिएगा, हर बार शगुफा छोड़ा जाता है, एक हॉट एयर बलून छोड़ दिया जाता है, उसी में बंझे रहे, उसी में उलझे रहे, वही बहस होती रहे, हर प्राइम टाइम शो पर वही चले, वही हुआ था यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ, वही हुआ वन नेशन वन इलेक्शन के साथ, वही हुआ था 2019 में सीए लेने के बाद, आज तक कानून उसके नोटिफाई नहीं हुए, नियम नोटिफाई नहीं हुआ, कानून लागू नहीं हुआ, ये हॉट एयर बलून है, ये एक शगुफा है जो छोड़ा गया है कि हम कहीं पलटकर महंगाई पर, बेरोजगारी पर, आर्थिक असमानता पर, मणिपुर पर सवाल ना पूछ ले। आपने दो बार सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख किया, सही उल्लेख किया, मैं आपको इन लोगों की एक बात बताना चाहती हूं, इनको इंडिया से आपत्ति कब शुरू हुई? जब हमने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, अरे हमने भारत जोड़ो यात्रा करी है और हम ही ने इंडियन इंडिपेंडेंस की लड़ाई लड़ी है और हम ही अपने आप को इंडिया कहते हैं, तो आपके पास तो ना भारत है ना इंडिया है, भारत जिसने जोड़ा 4000 किलोमीटर चढ़ के उससे तुम भारत पर सवाल पूछोगे? और एक बात मैं अंजना जी जरूर कहना चाहती हूं, इनका जो दिक्कतें हैं वो तब शुरू हुई जब हमने अपना नाम इंडिया रखा, वरना इन्होंने भी स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, न्यू इंडिया की बात कर रहे थे, तब क्या आप गुलामी की बात कर रहे थे? असलियत यह है कि आजाद हिंदुस्तान में पता नहीं कौन सी गुलामी के खिलाफ मोदी जी और उनके चरण चुंबक लड़ रहे हैं। और एक असलियत और है, 2004 में जब मुलायम सिंह यादव जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए, जो इनके काफी बड़े नेता होते थे एक टाइम पर, मुख्यमंत्री रहते हुए जब उन्होंने ये पारित किया था, एक वक्तव्य पारित किया था असेंबली में कि भारत नाम रहना चाहिए, तो किसने वॉकआउट किया था, किसने उसका विरोध किया था? भारतीय जनता पार्टी ने 2004 में, 2015 में, नवंबर 2015 में मोदी जी की सरकार के, मोदी जी के गृह मंत्री ने एफिडेविट और हलफनामा देकर सुप्रीम कोर्ट में कहा देश का नाम भारत करने की कोई जरूरत नहीं है, हमने सब कुछ देख लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें तो अच्छा लग रहा है, भारत हम जोड़ रहे, भारत बुलाइए, इंडिया हम कहते हैं, इंडिया बुलाइए। आपको दिक्कत है, आपको दिक्कत है इंडिया के हमारे नाम से, क्योंकि अपनी मां का नाम विद्रूप करने वाले देशभक्त नहीं हो सकते। आपको दिक्कत है इंडिया से, इसलिए आप इंडिया का नाम बदल के घमंडिया कहते हैं। आप डरते हैं इंडिया से, इसलिए आप ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन मुजाहिदीन जैसी टेरर ऑर्गेनाइजेशन से हमारी तुलना करते हैं। दिक्कत और डर आप में है, लोगों का ध्यान आप बांटना चाहते हैं, क्योंकि आपके जो मैंने एग्जाम्पल्स बता दिए उसमें आप ही इन बातों का विरोध करते थे, और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो कहा है उसका जवाब जरूर मिलना चाहिए। मुझे भारत इंडिया में कोई आपत्ति नहीं है, हम भारत भी जोड़ेंगे, हम इंडिया को भी जिताएंगे, क्योंकि हमारे रग रग में भारत माता का खून है और हमारे मस्तिष्क पे इंडिया का मान है, इनके पे नहीं है। ये आजाद भारत में गुलामी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, कौन सी भगवान जान सकता है।